बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत ने चीन को छोड़कर पाकिस्तान के बॉर्डर पर सबसे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों तैनात किया, आपको इसकी रीज़न बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या इससे पाकिस्तान पर फ़र्क पड़ने वाला है, अमरीका इस बारे में क्या कहता है। जब पाकिस्तान को पता था कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है, वो ख़रीद चुका है, डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद तैनात होगा, इस दौरान पाकिस्तान क्या करता रहा, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने उसी दिन बाबर 1B का तजुर्बा क्यों किया। पाकिस्तान ने भारत को क्या मैसेज दिया है कि जाओ तुम्हारे अरबों डॉलर्स डूब गए हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीर के बॉर्डर पर LOC पर पाकिस्तानी फौज ऐसा क्या कर रही थी कि भारतीय फौज को मिन्नतें करनी पड़ी कि मत करो, छोड़ दो। वो चोटियां कितनी अहम हैं और वहां पर क्या हो रहा था, वो वीडियो क्लिप भी हम आपको बताएंगे कि भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज से क्या कह रही थी, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल SH TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है स्पुतनिक इंटरनेशनल की। इंडिया डिप्लॉयज फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इट्स न्यूली एक्वायर्ड S-400 ट्रियम्फ सिस्टम अलॉन्ग पाकिस्तानी बॉर्डर रिपोर्ट। इंडिया को जो रूस की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन मिला है, वो इंडिया ने चीन के बॉर्डर पर नहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि S-400 ट्रियम्फ सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के पूरे बॉर्डर को, उसकी इंटायर विड्थ को कवर कर सकती हैं। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात किया है और भारत का यह मानना है कि इसकी जो बैटरीज हैं वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली एरियल थ्रेट्स को केयर कर सकें, उनका ख्याल रख सकें। S-400 में चार तरह के मिसाइल नस्ब किए गए हैं। शॉर्ट रेंज 9M96E 40 किलोमीटर रेंज है, मीडियम रेंज 9M96E2 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज 48N6 250 किलोमीटर एंड वेरी लॉन्ग रेंज 40N6E 400 किलोमीटर की रेंज है। तो भारत का यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह इंटायर बॉर्डर को सिक्योर कर सकता है। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर की लंबाई 3,323 किलोमीटर है, इंटायर बॉर्डर को भारत कवर कर ही नहीं सकता। और इस हवाले से हमने आपको अमेरिकी रिपोर्ट भी बताई थी कि यह सिस्टम भारत को कितना महंगा पड़ने वाला है, कितना दर्दसर बनने वाला है, यह भारत के काम नहीं आने वाला क्योंकि इसको मेंटेन रखने का जो खर्चा है वो भारत जैसे ममालिक के बस की बात नहीं है। अगर आपने इससे सही काम लेना है तो आपको इसके रडार फिजा में रखने पड़ेंगे, वो सारी डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। और उस रिपोर्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान की बर्तरी को माना था कि S-400 लेने के बाद भी पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी हासिल है और उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स की भी तारीफ की थी कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास ऐसे तरीके हैं कि वो इस सिस्टम को डिच कर सकें। और चीन की तो बात ही ना करें, चीन तो इस सिस्टम को बगैर जंग के नाकारा भी बना सकता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने कहा है कि जो दूसरा स्क्वाड्रन आएगा उसे हम चीन और भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर तैनात करेंगे और चीन ने ऑलरेडी 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन और भारत के बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं, एक निगारी गार गुंसा में और दूसरा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडियाज इंडक्शन ऑफ S-400 सिस्टम टिल्ट्स बैलेंस ऑफ पावर अगेंस्ट पाकिस्तान, सेज आर्मी वेटरन। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करने से खित्ते में ताकत का तवाजन बिगड़ जाएगा। भारत का कहना है कि चीन की मदद से पाकिस्तान में भी एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए गए हैं जो शॉर्ट और मीडियम रेंज के हैं, अलबत्ता वो S-400 का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, वो चीन जो भारत से कई इलाके भी छीन चुका है, लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, वो भारत के इलाकों में गांव बसाकर बैठा हुआ है। लेकिन पहले तो भारत वहां पर कुछ कर नहीं सकता, चीन ने जो लेना है वो तो लेकर रहेगा, चीन को वापस तो नहीं निकाला जा सकता, और अगर निकाला जा सकता हो भी तो उस पर वोट नहीं मिलता। पाकिस्तान ने इनके अभिनंदन को गिराया था, इनके 2 तैयारे गिराए, इनका हेलीकॉप्टर गिरा बॉर्डर के करीब, जिस सर्जिकल स्ट्राइक के धौंस पर, जिस ड्रामे पर इनको वोट मिला करते थे वो एक्सपोज होकर रह गई, पूरी दुनिया में इनका मजाक बन गया। तो अब ऐसा कुछ हो जाए, कोई छोटा मोटा परिंदा भी हम पाकिस्तान का गिरा लें
ताकि हमें वोट मिल जाए। यूरोपियन अखबार मॉडर्न पॉलिसी हवाले से क्या कहता है, इंडिया वॉन्टेड टू डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इशूज बाय अक्यूजिंग पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपनी आवाम की तवज्जो डोमेस्टिक इशूज से हटाना चाहता है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह भारत में पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल दिलाकर वोट हासिल किए जाते हैं। तो चीन को मारा नहीं जा सकता, चीन से पंगा नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान के साथ कोई छोटी मोटी झड़प भी हो गई तो उसे बड़ा कर अपनी आवाम से वोट ले लेंगे। हमने तो अभिनंदन को भी हीरो बना दिया, हमने तो उसे भी अवार्ड दे दिया, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, डेक्कन हेरल्ड की खबर सुन लें। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इनहेंस्ड रेंज वर्जन ऑफ बाबर क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान ने कामयाबी से बाबर 1B का तजुर्बा किया जो बाबर क्रूज मिसाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब आज ही के दिन पाकिस्तान ने इस मिसाइल का तजुर्बा क्यों किया? जिस दिन रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू की थी उसी दिन पाकिस्तान ने शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा किया था, जिसका तजुर्बा वो कुछ माह पहले मार्च में कर चुका था। फिर 25 नवंबर को यह तजुर्बा दोबारा करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अपग्रेड किया। चीन ने पाकिस्तान को कुछ छोटी मोटी टेक्निकलिटीज बताई कि किस तरह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिच किया जा सकता है, क्योंकि वो सिस्टम चीन के पास है और चीन इस चीज का माहिर है, वो किसी भी चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। और अमेरिकी रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस सिस्टम को डिच कर सकें। और उसी दिन पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था। और आज जब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है तो पाकिस्तान ने बाबर 1B का जो क्रूज मिसाइल है उसके अपग्रेडेड वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया है। तो पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ, ना चीन ऐसे बैठा हुआ है। अगर आपका ये सिस्टम पाकिस्तान या चीन के लिए खतरा होता तो चीन रूस को रोक देता, वो आपको ये सिस्टम बेचता ही ना। और फिर अमरीकी रिपोर्ट आपने अगर नहीं देखी तो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया गया है कि भारत इस सिस्टम से कोई फायदा नहीं उठा सकता। पाकिस्तान और चीन को अब भी भारत पर बर्तरी हासिल है। अब आखिर में आपको वो वीडियो क्लिप बताते हैं जिसका शुरू में हमने आपसे वादा किया था और फिर आपको बताएंगे कि असल में हो क्या रहा था। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है, बंद कर दो। अजीन, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भारतीय फौज बार बार कह रही है, हर तरीके से कह रही है, रिक्वेस्ट भी कर रही है और डर डर के धमकी भी दी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज पर कोई असर नहीं हो रहा, वो उसी तरह अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन भारतीय मीडिया क्या बता रहा है कि जो ही भारतीय फौज ने धमकी दी, पाकिस्तानी फौज वहां पे काम को उसी तरह छोड़कर भाग गई। भारतीय फौज का दावा है कि पाकिस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर के करीब तरीन इलाकों में अंडरग्राउंड बंकर्स और कुछ और तामीरात कर रही है। मकबूजा कश्मीर के करना कपवारा के टेटवाल सेक्टर में भारत ने पाकिस्तानी फौज की जानब से हाथ मताका पर तामीरात के नए सिरे से शुरुआत पर एहतजाज किया। भारतीय पुलिस ने बताया कि भारतीय फौज ने मंगल के रोज टेटवाल सेक्टर में हद मतारका के नजदीक पाकिस्तानी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत देखी और इस बात का मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कुछ तामीरात को खड़ा करने की कार्रवाई शुरू की गई है। भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज से रिक्वेस्ट करती रही कि इस काम को रोक दो, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। भारतीय पुलिस ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा मुआहदे में LOC के 500 मीटर अंदर दोनों तरफ से किसी भी किस्म की तामीरात खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने जूं ही तामीरात पर काम शुरू किया तो भारतीय फौज ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तानी फौज को काम बंद करने के लिए कहा। अब यह भारतीय मीडिया और भारतीय फौज का दावा है कि जूं ही पाकिस्तानी फौज ने यह काम शुरू किया, भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज की नकलो हरकत देख ली, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह काम कब से शुरू था।
अब जिन प्रोटोकॉल्स की भारत बात कर रहा है वो प्रोटोकॉल्स ये हैं कि अगर आप 500 मीटर के अंदर कोई तामीरात करते हैं तो दूसरी साइड को इन्फॉर्म करेंगे, इजाजत नहीं मांगेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने यह काम जारी रखने का फैसला किया है और भारत का यह दावा है कि यह लॉन्चिंग पैड में इस्तेमाल होगा और दहशतगर्दों की दरअंदाजी होगी। तो हालात से यह लग रहा है कि भारत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन तो वैसे ही सब कुछ नहीं बताते, भारत जो बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश करता है वो आजकल बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और उसे सिर्फ चीन से ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी परेशानियां लाहक हैं। इसीलिए उसने चीन से पहले पाकिस्तानी सरहद पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, क्योंकि उसका यह मानना है कि चीन जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है और इनका असल हदफ लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश नहीं कश्मीर है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।